सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो मेरे भाई, इस वीडियो में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, जैसे कि आप अपने फेस में टून कैसे डालते हैं एंड मेरे भाई जैसे कि अपने बैकग्राउंड को हम कैसे बनाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ मेरे भाई। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं मेरे भाई, वीडियो तो डेली देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सबसे पहले मेरे भाई अपने ओरिजिनल वाले फ़ोटो को ले लीजिएगा। एंड ओरिजिनल वाले फ़ोटो को ले लेने के बाद मेरे भाई इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओपन कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर दिखेगा ना, तो आपको एक टून इमेज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। टून इमेज के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई और इस कॉम्बिनेशन को एकदम इतना सा बढ़ा देना है 20%। उसके बाद मेरे भाई डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ देखिए सेलेक्टिव वाला ऑप्शन होगा मेरे भाई। सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर दीजिएगा, ठीक है ना। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर फिर से क्लिक करना होगा आपको। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन होगा, डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना है एंड यहाँ से डन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और अब की बार क्या करना है, अपने लिप पे थोड़ा सा कलर को चलाना होगा मेरे भाई। तो ब्रश के ऊपर क्लिक करना होगा मेरे भाई एंड ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए, फिर से मैं बैक करके दिखाता हूँ, तो सबसे लास्ट वाला जो ब्रश होगा ना मेरे भाई, इस वाले ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई अपने लिप के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना। लिप के ऊपर अप्लाई कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। डन मेरे भाई, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर देना होगा आपको, कहाँ पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को यहाँ से हम शेयर कर देते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ ऑल फोटो के ऊपर आपको आ जाना होगा एंड ऑल फोटो के ऊपर आने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा ना, तो आपको एक प्रीसेट का लिंक दूंगा मेरे भाई, उस प्रीसेट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रहा मेरे भाई वो प्रीसेट, इसको डाउनलोड कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा आपको फाइनली, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ कॉपी सेटिंग करना होगा, ठीक है ना। और इसको मेरे भाई कहाँ से डाउनलोड करना है एंड किस तरह डाउनलोड करना है सब कुछ वीडियो में ही बताऊंगा मेरे भाई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है पेस्ट, तो पेस्ट कर देना है, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे ही पेस्ट करेंगे मेरे भाई तो हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, देख लीजिए मेरे भाई, कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा मेरे भाई। तो अभी देखिए उतना मज़ेदार तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ से शेयर करेंगे कहाँ पर, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद मेरे भाई थोड़ा सा फेस पर ब्राइटनेस बढ़ाना है इधर से, और मेरे भाई इधर से भी थोड़ा सा फेस के ऊपर आपको ब्राइटनेस बढ़ा देना होगा। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, हमारा फेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई अपने फेस पे टून डालने के लिए सबसे पहले मेरे भाई क्या करना होगा, आपको यहाँ डिटेल का ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा मेरे भाई एंड इसका थोड़ा सा इसका जो होगा ना शार्पनेस, शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना होगा, ठीक है ना। डन, इतना काम कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना होगा और उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ ब्रश का आइकन होगा, ब्रश के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ब्रश सेलेक्ट करके मेरे भाई और लिप पे कलर चला लीजिएगा और यहाँ पर मेरे भाई आप थोड़ा सा कलर चला लीजिएगा, इससे हमारा बहुत ही इमेजिंग दिखने लगेगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या काम करना है सब कुछ मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। तो मेरे भाई फेस पर रही बात अब टून डालने की, ठीक है ना। तो फेस पे टून डालने के लिए सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, टूल्स के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई, और मेन काम मेरे भाई यहीं पे होता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए, ठीक है ना।
आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, तो बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि ये फोटो में बहुत ही काम का चीज़ है। तो यहाँ पर देखें मेरे भाई, वाइट बैलेंस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड मेरे भाई इसका टिंट है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड मेरे भाई इसका टिंट को थोड़ा सा कम करना है। देख लीजिए मेरे भाई, कुछ इस टाइप से हमारा फेस के ऊपर टून डल जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना होगा मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई, मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ। लाइटरूम एप्लीकेशन में देखिए मेरे भाई, फिर से इस फोटो को आने के बाद यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करना है मेरे भाई। एंड सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लाइट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है। एंड मेरे भाई कलर्स के ऊपर आना है। कलर्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो मिक्स का ऑप्शन होगा, मिक्स के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। एंड यहाँ ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है, एंड ह्यू को भी बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई इसका भी सेचुरेशन एंड ह्यू को बढ़ा देना है, ठीक है ना, और इसका ल्यूमिनस को भी बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन कम करना है, ल्यूमिनस को इतना पे बढ़ा देना है और ह्यू को थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है और यहाँ पर आ जाना है मेरे भाई इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और इसका क्लियरिटी को इतना बढ़ा देना है और टेक्सचर को इतना बढ़ा देना है। डन मेरे भाई, इतना काम हो जाने के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर एक बार देख लीजिए, पहले और अब। उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को क्या करना है, यहाँ से शेयर करना है डायरेक्ट आपको, कहाँ पर, सॉरी मेरे भाई, यहाँ से आपको शेयर करना होगा मेरे भाई डायरेक्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो हमारा मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट होने के लिए चला गया था मेरे भाई, इसके लिए सॉरी। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ देखिए स्विच का ऑप्शन होगा, स्विच के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और इसका बाल जो होगा ना, इसको पहले बड़ा कर लेना होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप अच्छे तरीके से बाल को बड़ा कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से बाल को बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर देखिए कलर रिप्लेक्स के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई, और इसमें जो आपको कलर बेस्ट लगे मेरे भाई वो रख लेना है। मेरे को मान लीजिए ये बेस्ट लगा मेरे भाई, इसको मैं रख लिया। और उसके बाद मेरे भाई क्या करूँगा, यहाँ से स्क्रॉल करके जाऊँगा और यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन पर आना है और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, तो इसका फेस स्मूथ करना है। तो फेस स्मूथ करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाना है। ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए मेरे भाई जिसको बता रहा हूँ, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए सेटिंग के ऊपर आना है, फॉलो को 3 रखना है, नेक्स्ट रेंज को 14% रखना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ कर लेना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, सेम टू सेम आप भी कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।